प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 27 जुलाई 2021 मंगलवार का दिन है, शतपिशा नक्षत्र है और इस नक्षत्र के स्वामी राहु देव होते हैं। सावन का महीना चल रहा है और मंगलवार का दिन भी है, राहु का नक्षत्र भी है। ऐसे में आप सभी लोग अपने अपने घरों में हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करेंगे और एक चीज का ध्यान आपको जरूर रखना है, घर में यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो काफी लंबे समय से खराब है या कोई ट्यूबलाइट खराब है या किसी भी तरह का कोई फ्यूज बल्ब आपके रूम में लगा हुआ है तो उसको रिप्लेस जरूर कर दीजिए, उसको ठीक जरूर करा लीजिए, क्योंकि घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान का खराब होना, ट्यूबलाइट का खराब होना, फ्यूज हो जाना, फ्यूज बल्ब का घर में रहना या घर के किसी कोने में अंधकार का बना रहना, ये राहु को निमंत्रण देता है और राहु को निमंत्रण अच्छी बात नहीं है। इसीलिए घर के अंदर यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब पड़ा है तो उसे शीघ्र ठीक करा लें, बल्ब को रिप्लेस कर लें और कोशिश करें कि घर के अंदर कोई भी खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान ना हो। केवल इतना सा आपको ध्यान रखना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। सावन का महीना चल रहा है इसलिए भोलेनाथ को तो याद करना ही करना है। जो लोग सावन को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करते हैं, वो सभी लोग ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी अवश्य करेंगे। बहुत छोटे से उपाय है दर्शकों, करना हमें है, निस्संदेह हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़े परिणाम हमको देखने को मिलेंगे। दिन भी शुभ है, महीना भी शुभ है और जब हमारी नियत भी ठीक हो और श्रद्धा बनी हुई हो और श्रद्धा से जब हम उपाय करें और उसका फल ना मिले, ऐसा संभव ही नहीं है। दर्शकों, इन उपायों के सीरीज को जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जैसे जैसे आप ये उपाय करते चलेंगे, आप अपने जीवन के अंदर एक शांति की अनुभूति भी करेंगे। आप देखेंगे कि आपके आसपास का माहौल भी सौहार्दपूर्ण बनने लगा है, घर में सुख शांति का माहौल भी रहा है और जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान भी अब आपको धीरे धीरे मिलने लगा है। इतने मात्र छोटे से उपाय से ही आपके जीवन के अंदर बहुत बड़े परिवर्तन आएंगे, ये बात निश्चित है, इसमें कोई संदेह आपको नहीं होना चाहिए। बस आप केवल उपायों को फॉलो करते चलिए और बहुत छोटे छोटे उपाय मैं आपको बताता हूं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। कहीं आपको जाकर के कुंडली दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप केवल इन उपायों को फॉलो कीजिए और अपने जीवन के अंदर परिवर्तन को भी आप महसूस कीजिए। उम्मीद करता हूं दर्शक को मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।